बैठा अरिजन गुरु सतगुर का खिवेच दुआ तखत बैठा अरिजन गुरु तखत बैठा अरिजन गुरु तखत बैठा अरिजन गुरु सतगुर का खिवेच दुआ तखत बैठा अरिजन गुरु सतगुर का खिवेच दुआ तखत बैठा अरिजन गुरु चार जागे चो जुगी साजियों आपे ही थम खलो चारे जागे चो जुगी पंचाय आपे हो आपी ने आप साजियों सतगुर का खिवेच दुआ तखत बैठा अरिजन गुरु सतगुर का खिवेच दुआ तखत बैठा अरिजन गुरु तखत बैठा अरिजन बैठा अरिजन गुरु तखत बैठा अरिजन गुरु तखत बैठा अरिजन गुरु सतगुर का खिवेच दुआ तखत बैठा अरिजन तखत बैठा अरिजन गुरु आपके प्रति कलम आप लिखन हारा हो आपे पट्टी कलम आप लिखन हारा हो सब उम्मत आमन जामनी आपे ही नमान रो सतगुर का खिवेच दुआ तखत बैठा अरिजन गुरु अरिजन गुरु अरिजन गुरु अरिजन गुरु तन अरिजन गुरु अरिजन गुरु अरिजन गुरु।
सतगुर का किवे चंदोआ तखत बैठा अर्जन गुरु सतगुर का किवे चंदोआ छाड़ो एक घड़ी
मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है। संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु। रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जन माहे धरी। सत गुर का खिवे जंदुआ तखत बैठा अर्जन गुरु। सत गुर का खिवे जंदुआ के दुख कोटक दूर गए। मथुरा जिन अमृत नाम पियो के पद्धत ते मत चूके रे मन। ओ ए पद्धत ते मत चूके रे मन। वेद विभेद ना जान पियो पर तक्ष हृदय गुरु अर्जन के। पर तक्ष हृदय गुरु अर्जन के हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। सतगुर का खिवे जंदुआ तखत बैठा अर्जन गुरु। सतगुर का खिवे जंदुआ तखत बैठा अर्जन गुरु। अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन तब लो परम ते फिरते बोतायो। शहीदां दे सिरताज बाणी दे बोहित धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रचनहार धन गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां दी तारीफ करदियां पट्टा ने लिखिया कि जितने तक साढ़े मस्तक दे भाग चंगे नहीं सन तो संसार सागर दे विच असी गोते खांदे रहे भटकते रहे दुखी होंदे रहे। जब लो नहीं भाग लीलार उदय क्योंकि पूर्ण गुरु की प्राप्ति एवें नहीं होंदी। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसक बैरागी। पूर्वले कर्म एडे पुन परवल हो जान के पुन्ना दा सूरज शिखर ते शिर ते आ जावे ते फिर पूर्ण गुरु दे दीदार होंदे हन। मथुरा नाम करके पट जो है 17 पट्टा ने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच गुरुआ दी उपमा कीती है। इना विचों श्रोमणी जो है वो मथुरा नाम करके
मथुरा नाम करके पट कह रहे है, जब लो नहीं भाग लीलार उदय तब लो परम ते फिरते बोधायो, कल घोर समुद्र में बूडत थे। जितने तक पूर्ण गुरु की प्राप्ति ना हुई ता संसार रूपी घोर समुद्र विच असी गोते ही खांदे रहे, जन्म मरण विच आंदे रहे। कल घोर समुद्र में बूडत थे, कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो, तत् विचार ये है मथुरा। मथुरा नाम करके पट कह रहा मैं, तत् विचार कह रहा, सारिया विचारा दा नचोड़ दस रहा। तत् विचार ये है मथुरा, जग तारण को अवतार बन आयो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो। जेड़ा एक बारी भी गुरु अर्जन देव महाराज दे चरणा ते नमस्कार के कह देवेगा, नमस्कार करके कह देवेगा धन गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव फिर जपो भाई धन गुरु अर्जन देव। हजूर कहंदे हन भाई ओ जन्म मरण तो रहत हो जाएगा, ओ शहीदां दे सिरताज जिन्हां ने एक एक अक्षर ते कमाई करके दसिया, एवें नहीं बाणी उचारण नहीं कर दिती, बाणी दे एक एक अक्षर ते अपने आप नूं गठाया, अपने आप नूं तोरिया। जे लिखिया तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई, कितना औखा है भाई, लिख देना तो सुख है। तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई, आप जला के दस दिता। गुरु अर्जन देव पातशाह इसे लई शहीदां दे सरताज कहिंदा कि इन्हां ने धर्म तो कुर्बान होने लई सब तो पहल की थी। सब तो सिरताज हन शहीदां दे, जे आप पूरने ना पांदे तां अगे ए कदे ना तुरदा, कोई देश कौम लई आपा ना वारदा। उचारण करो श्री वाहिगुरु। चंदू सियाई जो दीवान सी बादशाह दा प्रोत भेजिया, भाई कोई मेरी जवान लड़की वास्ते वर लभ के लिया। ते प्रोत जदों गुरु घर विच आया, गुरु हरगोबिंद साहब जी दे मीरी पीरी दे मालक दे दर्शन कीते, तां बेनती कीती महाराज कृपा करो, चंदू दीवान दी लड़की जवान है, चंगा घर है, जे गुरु हरगोबिंद साहब उसनू अपने चरणा दी दासी बना लैन ता असी वड़े भाग समझांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह शांत मूरत करो दर्शन भाई। कहन लगे जो अकाल पुरख दा हुक्म है, जिस तरह उसकी रजा है, चंदू सियाई चंदू दे पास जदों ए प्रोत आया, खुशी खुशी आया, महाराज मैं आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु घर विच करके आया, आप दर्शन करोगे तन मन ठर जाएगा। गुरु हरगोबिंद साहब जी दे वर्गा वर इस संसार विच होर कोई नहीं हो सकदा। चंदू जिसनू राज दा मद सी, हंकार सी माया दा, प्रोत नू कहन लगा भई की कर आया, चबारे दी इट मोरी नू ला के चला आया, मैं किथे ते गुरु अर्जन देव महाराज किथे, एडी हंकार दी गल कीती। ते हर जी हंकार न पावई, गुरु नानक दे दर ते हंकार नू कोई था नहीं है। हंकार नूं कोई थां नहीं, संगतां नूं जदों पता लग्या तां गुरु अर्जन देव महाराज दे चरणां विच अरदास कीती, महाराज जिस दर तों भिखारियां नूं पातशाहियां प्राप्त हुंदियां हन
उस दर नूं ए मोरी दी इट कह रहा है, इस अहंकारी का रिश्ता नहीं लेना बिल्कुल। जदों संगतां ने ये बेनती की, गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने संगत को मान बख्शिया, जो संगत का हुक्म है वह सिर मत्थे है। चंदू नूं जदों पता लगा तो बड़ा क्रोधवान होया, ते बादशाह जहांगीर तो पहला ही गुरु घर के नाल वैर रखता सी। उचारण करो श्री वाहिगुरु। ऐसी चाल चली के बादशाह जहांगीर को चिट्ठी भिजवा दिती, भाई क्योंकि तुसी खुसरो शहजादे नू ठार दिती है, वह राज घराने का बागी सी, इसलिए जां तां 2 लाख रुपए जुर्माना भरो जां फिर दंड सहो। उचारण करो श्री वाहिगुरु। गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे, भाई ये गुरु की गोलक गुरु कियां संगतां दे लंगर लई है, गरीबां लई है, ये दंड भरन लई नहीं, बाकी शरीर नू जितना तू कष्ट देना भाई दे ले। जितना देना दे ले, किसे गल दी परवाह नहीं कीती। जितना शरीर नूं कष्ट देना है दे लै। तां बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं पकड़ के चंदू सियाई दे हवाले कर दिता। चंदू ने तसीए देने शुरू कर दिते। अज तत्ती तवी ते गुरु अर्जन देव महाराज बैठे हन। ओई आभा, ओई नूर, ओई अमृत चेहरे तो बरस रहा है, जिमें मखमली गद्दियां ते बैठे होंदे हन। इसलिए वो आप हरी सन, की नहीं सन कर सकते। इसलिए सत्ता बलवंड बाणी उचारन लग्या कहिंदे हन, तकत बैठा परिजन गुरु, सतगुर का खेवे चंदोआ, तकत बैठा परिजन गुरु, अर्जन गुरु, अर्जन गुरु, अर्जन वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।
साहब जी। संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण, निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई, मन बच दिन जानियो भयो ते समसर सोई, धरन गगन नव खंड में तरन गगन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रे ओ पर पान मथुरा किछ भेद नहीं, पान मथुरा किछ भेद नहीं, ओ गुरु अर्जन पर तक हर, गुरु अर्जन पर तक हर, सत गुर का किवे चंदुआ तखत बैठा हर जन गुरु, सतगुर का किवे चंदुआ तखत बैठा हर जन गुरु, 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 सत गुर का खिवे चंदुआ तखत बैठा हरिजन गुरु।